अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और हम बात करेंगे कि एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले भी कह चुके हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर रिलेटिवली लेस कॉमन है। प्लांट्स के अंदर तो तकरीबन तमाम ग्रुप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर इतनी ज़्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सिर्फ जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर फाइला हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये रिलेटिवली प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी कि ये कदीम तरीका है। जो सिंपल शुरू के जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए थे शुरू शुरू में, उनके अंदर ये पाया जाता है। एडवांस्ड एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। मिसाल के तौर पे बाइनरी फिशन होती है अमीबा में, इसी तरह मल्टीपल फिशन हमने पढ़ी है प्लाज्मोडियम के अंदर, कि जब वो रेड ब्लड सेल्स में जाकर मलेरियल पैरासाइट जो है वो मल्टीप्लाई करता है, तो वो मल्टीपल फिशन के जरिए से मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह स्पंजेस के अंदर और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, जिसमें एक बड निकलती है और वो ग्रो करके कम्प्लीटली न्यू इंडिविजुअल बना देती है। इसी तरह पार्थिनोजेनेसिस की हम आज बात करेंगे आगे चल के। इसके अलावा आइडेंटिकल ट्विन्स और क्लोनिंग जो है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स समझी जा सकती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। अब जिस तरह हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, के फर्टिलाइजेशन के बगैर सीड की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, तो इसी तरह पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट को कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि अगर एग फर्टिलाइजेशन के बगैर ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे तो इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस जो है वो कॉमनली एंट्स के अंदर, बीज के अंदर, हनीबी वगैरह में और वास्प्स के अंदर बड़ी कॉमनली मिलती है। हनीबीज के अंदर जो पार्थिनोजेनेसिस होती है, इसको हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो मेल्स हैं ये आमतौर पे हैप्लॉइड होते हैं। हनीबी के मेल्स को हम ड्रोन्स कहते हैं। अब ये ड्रोन्स जो पैदा होते हैं, तो ये बेसिकली पैदा होते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से। अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स जब पैदा होंगे तो ये हैप्लॉइड होंगे, यानी कि इसके अंदर मदर की तरफ से तो जीन्स आती हैं लेकिन फादर की तरफ से जीन्स नहीं आती। अब ये हैप्लॉइड एग यानी कि एन कंटेनिंग एग जब फर्दर आगे चलकर स्पर्म्स प्रोड्यूस करवाएगा, तो इसके अंदर दोबारा मियोसिस होगी, तो ये एन से भी ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए मियोसिस नहीं होती बल्कि ये डायरेक्ट माइटोसिस के जरिए से जो है हैप्लॉइड स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है। अब ये स्पर्म्स जब कॉपुलेशन होती है, तो उस वक्त ये स्पर्म्स क्वीन बी की, जो मलका बी होती है, ये यहाँ पे आपको ये कलर में शो की जा रही है, तो ये क्वीन बी स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर एक खास पाउच में, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। अब ये क्वीन अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है कि किन एग्स को उसने फर्टिलाइज करना है और किन एग्स को फर्टिलाइज नहीं करना। मिसाल के तौर पे जब उसको फीमेल वर्कर्स की जरूरत है, तो उस वक्त क्वीन भी जो है वो कुछ स्पर्म्स अपने पाउच से निकाल कर एग्स को फर्टिलाइज करवाएगी, और उसकी वजह से फीमेल बीज प्रोड्यूस होंगी। फर्टिलाइज्ड एग्स हमेशा फीमेल बीज प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो क्वीन ये समझती है कि उसको मेल्स की जरूरत है, तो वो बगैर फर्टिलाइजेशन के एग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, यानी कि एग्स प्रोड्यूस करेगी लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन नहीं करवाएगी, तो वो एग्स जब डेवलप होंगे तो उसके नतीजे में दोबारा से ड्रोन्स पैदा होंगे। तो हनीबीज के अंदर मेल्स हैप्लॉइड विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा होते हैं और फीमेल्स डाइप्लॉइड फर्टिलाइजेशन के जरिए से पैदा होती हैं। इस प्रोसेस को हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके मुकाबले में डाइप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी होती है, और ये तरीकाकार एफिड्स के अंदर बहुत कॉमन है। एफिड हम जानते हैं कि ग्रुप है इंसेक्ट्स का, जो प्लांट्स का जो है सैप, जो तने से रस निकलता है, उस रस को चूस कर जिंदा रहते हैं। अब ये एफिड्स जो हैं, इनके अंदर मियोसिस की एक स्पेशल टाइप होती है, जिसको हम कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन कहते हैं।
नॉन डिसजंक्शन की बात करेंगे हम आगे चलकर चैप्टर नंबर 21 में, लेकिन यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई सेल हो जिसके अंदर टोटल 2 क्रोमोसोम्स हैं, जब इसके अंदर मियोसिस होगी तो नॉर्मली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम जो है वो एक डॉटर सेल में मियोसिस 1 के बाद एक क्रोमोसोम यहाँ पे एक सेल में आना चाहिए और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन होता यह है कि मियोसिस के दौरान ये दोनों क्रोमोसोम्स एक ही सेल के अंदर चले जाते हैं और एक ऐसा सेल बनता है जिसके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं होता। अब इससे जब 4 सेल्स फर्दर बनेंगे तो इसके नतीजे में दो सेल्स ऐसे बने हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और 2 सेल्स ऐसे बने हैं जिनके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है। अब ये जिनके अंदर कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं है ये तो सेल्स खत्म हो जाएंगे, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं ये सेल्स अब डाइप्लॉयड सेल हैं और ये कंप्लीटली ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। तो बेसिकली कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे ये हो रही है कि तमाम क्रोमोसोम जो हैं वो एक ही डॉटर सेल में चले जाते हैं और ये डॉटर सेल मियोसिस के नतीजे में जो डॉटर सेल बन रहा है ये डाइप्लॉयड हैप्लॉयड नहीं हुआ और ये अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करके जो है ये कंप्लीट एडल्ट इंडिविजुअल बना सकता है। तो इसके नतीजे में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं डाइप्लॉयड वो सारे के सारे फीमेल्स ही होते हैं, तो फीमेल्स आगे चल के दोबारा इसी तरीके से जनरेशन बढ़ा सकती हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि बड़ी तेजी के साथ पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज किया जा सकता है। जब मेल अवेलेबल ना हो रिप्रोडक्शन के लिए तो उस वक्त फीमेल अकेली ही इस प्रोसेस के जरिए से पॉपुलेशन की तादाद बढ़ाने का काम कर सकती है। क्लोनिंग की हम बात फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 1 में थोड़ी बहुत कर चुके हैं। क्लोनिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है लेबोरेटरी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉपीज बनाने के लिए। नेचर में अगर हम क्लोन की डिफिनेशन करें तो क्लोन कहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म और उसके तमाम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स को। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग से यहाँ पे मुराद ये है कि जिसकी जीन्स तमाम जीन्स अकेले उसने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट की हो। अब इसके नतीजे में एक सेल से या एक इंडिविजुअल से जो नेक्स्ट सेल या नेक्स्ट इंडिविजुअल्स बनेंगे उन सब की जीन्स जो हैं वो एक जैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तो तमाम ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। अब क्लोनिंग की टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं क्लोन्स बनाने के लिए और ये एक तरीकाकार इसका कुछ यूं है, सॉरी इसका जो पहले हम देखते हैं एप्लीकेशंस इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर बहुत से प्राइज बुल्स जो बहुत ज्यादा मीट प्रोड्यूस करते हैं उनको इस तरीके से उनके क्लोन्स बना के उन जैसे और इंडिविजुअल्स बनाए जा सकते हैं। इसी तरह रेस हॉर्सेस जो बहुत तेज भागने वाले घोड़े हैं और इनकी कीमत जो है वो करोड़ों रुपए में होती है, तो उन रेस हॉर्सेस की कॉपीज बनाई जा सकती हैं। इसी तरह क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स को ड्रग प्रोडक्शन के लिए या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह ये तो है ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट क्लोनिंग, उसके मुकाबले में सेल्स को भी सिर्फ क्लोन किया जा सकता है और ये सेल्स जो है अगर किसी इंडिविजुअल के सेल्स क्लोन कर लिए जाएं तो ये सेल्स की स्टडी में यानी कि सेल के अंदर होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वगैरह को स्टडी करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेल्स के ऊपर हॉर्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है, मुख्तलिफ ड्रग्स की टेस्टिंग आप कर सकते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह के हवाले से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब नॉर्मली आजकल अभी जो सिस्टम है उसके अंदर हम एनिमल्स के ऊपर इन ड्रग्स वगैरह को टेस्ट करते हैं और इसके नतीजे में वो बाज दफा ड्रग्स जब रिएक्ट करती हैं, नई कोई ड्रग है वो उसका रिएक्शन जब होता है तो उसकी वजह से एनिमल्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं, तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, मर जाते हैं। तो उससे बचाया जा सकता है कि एनिमल के ऊपर टेस्ट करने के बजाय सिर्फ क्लोन सेल लिए जाए और उसके ऊपर टेस्ट किए जाए। मिसाल के तौर पे कोई इंडिविजुअल है वो बीमार है, उसको कोई ट्रीटमेंट देनी है तो उसके सेल आइसोलेट करें, क्लोन करवाएं लेबोरेटरी के अंदर और उनके ऊपर ड्रग टेस्ट करें कि इस ड्रग का उस आदमी के सेल्स पे क्या इफेक्ट होगा और अगर वो सूटेबल इफेक्ट है तो फिर वो ड्रग उस आदमी को दी जाए, अदरवाइज बीमार पर्सन को ड्रग जो है ना दी जाए। क्लोनिंग की कैसे जाती है? क्लोनिंग बेसिकली की जाती है इस तरीके से कि एक एग लिया जाता है।
अनफर्टिलाइज्ड एग और इसका न्यूक्लियस निकाल कर फेंक देते हैं। फिर क्या करते हैं कि किसी जिस इंडिविजुअल का क्लोन बनाना होता है उससे कुछ सोमेटिक सेल यानी कि उसकी बॉडी के कुछ सेल्स लेते हैं और उनमें से न्यूक्लियस निकाल कर इस ई न्यूक्लिएटेड सेल के एग के अंदर डाल देते हैं। जिस एग का हमने न्यूक्लियस निकाला है इसको हम ई न्यूक्लिएटेड एग कहेंगे। तो इसके अंदर हम जो अपना डोनर है उसका न्यूक्लियस डाल देते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस आपने ऐड किया है ये उस सेल को टेक ओवर कर लेगा और उसके अंदर जो है ग्रोथ शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। अब ये सेल डिवाइड करेगा और ये मल्टीप्लाई करके डेवलपमेंट का पूरा प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा, ऑर्गन्स बनेंगे और कंप्लीट इंडिविजुअल बनेगा। अब ये इंडिविजुअल जो बना है नया, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा इंडिविजुअल भी इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ये जो तीन यहाँ पे आपको शीप दिखाए गए हैं ये तीनों शीप एक्चुअली जिस इंडिविजुअल से न्यूक्लियस लिया गया था डोनेशन के तौर पे, ये उसकी कॉपीज होंगे, ना कि उस सेल की कॉपी, उस ऑर्गेनिज्म की कॉपी जिससे एग लिया गया था, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्चुअली इनकी तमाम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये तरीका कार जो है क्लोनिंग कहलाता है। अब क्लोनिंग के साथ बहुत सारी अक्सर प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होती हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन क्लोनिंग जो है ये एक बड़ा ही सीरियस इशू है। ह्यूमन क्लोनिंग के नतीजे में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके नॉलेज के बगैर आपके कोई सेल्स हासिल करके उनका क्लोन बना ले और उसको किसी गलत पर्पज के लिए इस्तेमाल करे तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। इसी तरह बाज लोग जो हैं वो ऑब्वियसली डेड पर्सन की क्लोनिंग की कोशिश करेंगे, जो कि एक प्रॉब्लम है। फिर अगर आपका कोई क्लोन बना लिया जाए और वो आप वो कोई जाके कोई जुर्म कर देता है, किसी को कत्ल कर देता है, तो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग जाएगा। वो शो ये करवाएगा कि जी मैं फलां हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं। फिर प्रॉपर्टी वगैरह के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये इस इन प्रॉब्लम्स को जब तक ओवरकम नहीं किया जाता तब तक जो है ह्यूमन क्लोनिंग की इजाज़त देना ज़रा मुश्किल काम है। इसके अलावा क्लोनिंग में इन जनरल भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये क्लोन्स जो होते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर अचानक से किसी डिजीज की आउटब्रेक होती है तो उस सूरत में तमाम क्लोन्स जो हैं वो बुरी तरह अफेक्ट होंगे। इसी तरह क्लोन्स के अंदर आमतौर पे अर्ली एजिंग का प्रॉब्लम भी सामने आता है कि उनकी उम्र जो है वो वक्त से पहले बूढ़े होके मर जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 2005 में डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन क्लोनिंग पास किया था, जिसके मुताबिक तमाम ममालिक ने इस चीज़ के ऊपर अग्री किया कि वो अपने मुल्क में ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर उसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब इसके अलावा क्लोन्स की एक टाइप जो है ये आइडेंटिकल ट्विन्स कहलाती है। नेचुरली बाज़ दफ़ा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, या इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल जाइगोट से बने हैं। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब एक कोई सेल है और ये फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, ये जाइगोट जब डिवीजन शुरू करता है तो ये एक से दो सेल बनाता है, दो से चार सेल बनाता है, चार से आठ और इस तरह ऑनवर्ड। अब क्या हो कि अगर जब ये एक सेल से दो सेल बने थे उस वक्त अगर इत्तफाक से ये दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएं, किसी वजह से ये दोनों अलग हो जाएं, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये दोनों सेल्स एक कंप्लीट जाइगोट के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देंगे और ये डेवलप होके कंप्लीट अलग अलग इंडिविजुअल्स बनाएंगे। अब इन दोनों इंडिविजुअल्स का बेसिकली जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम है, क्योंकि एक्चुअली तो ये एक ही जाइगोट से आ रहे हैं, तो इस वजह से इनकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है एक जैसी होंगी और ये जो बच्चे जब पैदा होंगे तो ये देखने में भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। इनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, और चूंकि ये एक जाइगोट की दो में माइटोटिक डिवीजन से बने हैं, इस वजह से ही इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप कंसीडर कर सकते हैं। अब आइडेंटिकल ट्विन्स या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर हमेशा जो बच्चों की सेक्स है, जेंडर है, वो हमेशा सेम होगी,
यानी कि या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो। इसके मुकाबले में ट्विन्स की एक और टाइप होती है जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विन कहते हैं। फ्रेटर्नल ट्विन्स के अंदर या डाइजाइगोटिक ट्विन्स में एक से ज्यादा नॉर्मली होता क्या है कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर सिर्फ एक ही एग जो है एट ए टाइम प्रोड्यूस होता है, और वो एक एग अगर फर्टिलाइज हो जाए तो वो डेवलप होकर कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है। लेकिन रेयर केसेस में बाज दफा एक से ज्यादा एग्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे दो या तीन एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, और अगर उस वक्त फर्टिलाइजेशन हो तो ये दोनों एग्स फर्टिलाइज हो जाएंगे और इसके नतीजे में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स बनेंगे। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग एग और अलग अलग स्पर्म से बने हैं, इस वजह से इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा और इनको हम फ्रेटर्नल ट्विन्स कहेंगे। अब ये फ्रेटर्नल ट्विन्स जो है इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और ये नॉर्मल सेक्सुअल प्रोसेस के नतीजे में बने हैं, इस वजह से ये इनकी सेक्सेस जो है वो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। जिस तरह दो बहन भाइयों या दो भाइयों या दो बहनों में फर्क होता है, तो इसी तरह इनके अंदर भी फर्क होगा। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स के केस में रिलेटिवली एडवांस्ड फाइला जो है उनके अंदर है और तकरीबन तमाम ही मेजर ग्रुप्स में मौजूद होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन प्रोसेस है दैट इज बेसिकली प्रोडक्शन एंड यूनियन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनते हैं यानी कि एग और स्पर्म बनते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। गैमीट्स बनाने के दौरान जो डिवीजन होती है उसको हम मियोसिस कहते हैं, और मियोसिस के नतीजे में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जीन्स के, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है और इस डाइवर्सिटी की बदौलत स्पीशीज जो है वो अडेप्ट कर सकती हैं और ओवरऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम के बनते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन नॉर्मली एनिमल्स में पाई जाती है इसको हम कहते हैं हेट्रोगेमेटिक रिप्रोडक्शन। हेट्रोगेमेटिक का मतलब है कि ये जो गेमीट्स बनते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ है, गेमेटिक गेमीट्स के लिए है। तो गेमीट्स दो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। एक गेमीट जो है ये बहुत बड़ा सा लार्ज साइज का नॉन मोटाइल एग होता है। इसके मुकाबले में दूसरा गैमीट जिसको मेल आमतौर पर प्रोड्यूस करते हैं ये एक छोटा सा मोटाइल स्पर्म होता है जो स्विम करके एग तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम हेट्रोगेमेटिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके मुकाबले में आइसोगेमेटिक रिप्रोडक्शन वो होगी कि अगर दोनों गैमीट्स एक जैसे पैदा हों। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, तमाम ऑर्गेनिजम्स में, तमाम एनिमल्स में तकरीबन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं ये मियोसिस के जरिए से प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनमें जो है फर्टिलाइजेशन के वक्त डाइप्लॉइड नंबर रिस्टोर हो जाता है। अब इस प्रोसेस के नतीजे में हर पेरेंट जो है वो हाफ हाफ जीन्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और जब ये दोनों जीन्स मेल और फीमेल से आने वाली जीन्स आपस में मिलती हैं तो उसके नतीजे में एक यूनिक ऑफस्प्रिंग बनता है। ये ऑफस्प्रिंग, इसके अंदर मौजूद जीन्स जो है वो अब ना अपने पेरेंट से 100% आइडेंटिकल होंगी क्योंकि उसकी हाफ जीन्स सिर्फ अपने वालिद से मिलती हैं और हाफ जीन्स जो है वो अपनी वालदा से मिलती हैं, तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं पेरेंट्स से भी और अपने बाकी बहन भाइयों से भी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन बनती है। और ये जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में बल्कि आने वाली नस्लों में चलते चलते नई स्पीशीज तक पहुंच जाती है बात, और इसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। इस वजह से ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हायर एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है,
लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नहीं है, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स का करीब आना आपस में पॉपुलेशन ज़रूरी होती है इस प्रोसेस में, तो वो रिलेटिवली रेयरली होती है एज कम्पेयर टू ये कि एक सिंगल इंडिविजुअल अकेला ही रिप्रोड्यूस कर ले, तो ये इस वजह से ज़रा पॉपुलेशन का साइज इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करता। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है बेसिकली दो डिफरेंट सेक्सेस आमतौर पे इन्वॉल्व होती है। जब एवोल्यूशन हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो साथ ही डिफरेंट सेक्सेस भी इवॉल्व हुई। अब स्पीशीज जो है वो सेक्सेस के हवाले से दो तरह की हो सकती हैं। एक स्पीशीज जो है कुछ स्पीशीज यूनिसेक्सुअल होती हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि इनके अंदर मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे मेल है मोर है, तो इसके अंदर मेल जो है वो ये जो आपके बड़े बड़े ब्राइट कलर वाला जो मोर होता है आपने देखा हुआ है नॉर्मली, ये मेल होता है। उसके मुकाबले में फीमेल जो है वो ग्रे कलर की जो है जरा डल कलर के फेदर्स वाली होती है। इसके मुकाबले में कुछ स्पीशीज जो है वो बाईसेक्सुअल होती हैं। बाईसेक्सुअल स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल इंडिविजुअल एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं। ऐसे स्पीशीज को हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अर्थवर्म है तो उसके अंदर मेल और फीमेल गोनेट्स दोनों ही ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्पीशीज में हर्माफ्रोडाइट स्पीशीज में भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया हुआ होता है किसी ना किसी मैकेनिज्म के जरिए से, यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म के स्पर्म अपने ही सेम इंडिविजुअल के स्पर्म अपने ही एग्स को आमतौर पर फर्टिलाइज नहीं करते, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो इंडिविजुअल एग प्रोड्यूस कर रहा है उसके एग्स किसी और इंडिविजुअल के स्पर्म ही फर्टिलाइज करें। क्यों? क्योंकि अगर सेम इंडिविजुअल के एग सेम इंडिविजुअल के स्पर्म से मिलेंगे तो उसके टोटल जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट जैसा होगा, तो इस वजह से ऐसी सूरत में कोई फायदा नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इस वजह से तमाम एनिमल्स के अंदर इस बात को इंश्योर किया होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूरी हो। साथ ही साथ ये स्पीशीज जब मेल और फीमेल पैदा होते बने तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी इवॉल्व हुई। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्सेस होती हैं, यानी कि देखने में मेल और फीमेल एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जब गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स आपस में भी मिलते हैं, और ये यूनियन ऑफ गेमीट्स जो है वो डाइप्लॉयड नंबर जो है रीस्टोर कर देती है क्रोमोसोम्स का। अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, यानी कि बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होती है। ऐसा आमतौर पे उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हों, समंदर में रह रहे हों, पानी में रह रहे हों, जहाँ पे स्पर्म आसानी के साथ स्विम करके एग तक पहुँच सके। उसके मुकाबले में खुश्की पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर आमतौर पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके दौरान स्पर्म्स को जो है फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और वहां पे ही एग ऑलरेडी मौजूद होता है फीमेल की बॉडी में, तो वहां पे जाकर स्पर्म्स फर्टिलाइज करते हैं और विद इन द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मैमल्स में आमतौर पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है। उसके मुकाबले में डेवलपमेंट जो है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गई एग और स्पर्म आपस में मिल गए, तो उसके बाद डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होना है। तो डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकती है ये भी, या अगर तो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हुई है तो फिर डेवलपमेंट भी जाहिर है बॉडी से बाहर ही होगी। एग्स अगर बाहर बॉडी के ले कर दिए गए हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन हुई है तो वो पानी में पड़े पड़े ही डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा आमतौर पे वहाँ होता है जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हों, मिसाल के तौर पे समंदर वगैरह में पानी के अंदर, तो यहाँ पर डेवलपमेंट एक्सटर्नल होती है। इसके मुकाबले में बर्ड्स के अंदर गर्चे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, लेकिन इनके अंदर डेवलपमेंट फिर भी एक्सटर्नल ही होती है। यानी कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि
इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग जो है वो विद इन द फीमेल्स बॉडी फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन फिर उस एग को एक प्रोटेक्टिव शेल में डालकर बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अंडे, आपने मुर्गी के अंडे देखे हैं, तो वो अंडे जो है वो बॉडी से बाहर फिर अल्टीमेटली अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। इस तरीकाकार को ओवी पैरिटी कहते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ओवी पैरस कहते हैं। ओवी का मतलब एग होता है, तो ओवी पैरस का मतलब है एग लेइंग एनिमल्स। इसके मुकाबले में दूसरा तरीकाकार ये है कि जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो तो डेवलपमेंट भी इंटरनली ही कंप्लीट हो फीमेल की बॉडी में। इसके नतीजे में क्या होगा कि कंप्लीट यंग वंस जो है वो फीमेल की बॉडी में डेवलप हो जाएंगे, और फिर उस कंप्लीट इंडिविजुअल को बर्थ उसकी होगी। अब ऐसे सूरत में डेवलपमेंट कंप्लीट करने के लिए उस इंडिविजुअल को कोई ना कोई नरिशमेंट का तरीका कार देना जरूरी है, यानी कि या तो उसके एग के अंदर ही रिजर्व फूड इतनी ज्यादा रखी जाए कि उस फूड को इस्तेमाल करके वो इंडिविजुअल कंप्लीटली डेवलप हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सेटअप प्रोवाइड किया जाए जिसके थ्रू वो अपनी मदर से फूड ऑब्टेन कर सके। मिसाल के तौर पे मैमल्स के अंदर जो है वो अक्सर मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा मौजूद होता है, और ये प्लेसेंटा एक खास स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, एक अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए ये एलिफेंट की बेबी को फूड मिलती है अपनी माँ से। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके अंदर डेवलपमेंट विद इन द फीमेल्स बॉडी कंप्लीट होती है, उनको हम वीवी पैरस कहते हैं। वीवी पैरस का मतलब है कि जो अलाइव बच्चों को पैदाइश जिनकी होती हो, जिनके अलाइव बच्चों की पैदाइश होती हो। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसा कि डक बिल प्लेटिपस है, ये मैमल्स की ही एक टाइप है। तो डक बिल प्लेटिपस के अंदर जो है होता यह है कि पहले पार्शियल डेवलपमेंट होती है एग्स की, यानी कि एग्स काफी हद तक डेवलप हो जाते हैं, फिर उनको विद इन अलोंग विद द शेल, शेल समेत ही बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, और वो कुछ अरसा मजीद बॉडी से बाहर अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर उनकी कंप्लीट जो है हैचिंग होती है एग से। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, डक बिल प्लेटिपस जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम ओवो वीवी पैरस कहते हैं, यानी कि वो अंडे भी देते हैं और किसी हद तक बच्चों को डेवलप भी करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की, जो हनीबीज के अंदर होती है, जिसके अंदर मेल्स हैप्लॉइड होते हैं। फिर उसके मुकाबले में हमने डाइप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस स्टडी की, जो कि एफिड्स के अंदर होती है, और इसमें कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन होती है मियोसिस के दौरान, और तमाम क्रोमोसोम्स एक ही सेल में चले जाते हैं, इस वजह से मेल की जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा हमने क्लोनिंग की बात की कि कैसे एक इंडिविजुअल से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंड पार्टनर कंप्लीट नया इंडिविजुअल पैदा किया जा सकता है। फिर हमने आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात की कि जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जो शक्ल बिल्कुल हम शक्ल होते हैं एक दूसरे के, तो वो कैसे होते हैं। फिर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी की एनिमल्स के अंदर, और हमने देखा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और स्पीशीज इवॉल्व होती हैं वक्त के साथ। फिर हमने सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात की, और हमने देखा कैसे मेल और फीमेल सेक्सेस जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। फिर हमने फर्टिलाइजेशन की बात की कि कैसे एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, और डेवलपमेंट जो है वो कैसे कंप्लीट होती है, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। शुक्रिया।